नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम को मारने की धमकी के मामले में बड़ा अपडेट आया है। दौसा एसपी रंजीता शर्मा का बयान सामने आया है। जेल के अंदर जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है और जेल के अंदर मिल चुके हैं अब तक 10 मोबाइल। 10 अलग अलग कैदियों के पास ये मोबाइल मिले हैं। जयपुर पुलिस, दौसा पुलिस और जेल प्रशासन की तरफ से जेल के अंदर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जेल के अंदर अभी तक 10 मोबाइल मिलने की खबरें सामने आ चुकी हैं और 10 अलग अलग कैदियों के पास ये मोबाइल मिले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को धमकी देने वाला कैदी नीमो रहने वाला है, दार्जिलिंग का ये निवासी है और रेप के मामले में जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पिछले करीब 3 माह से दौसा के सेंट्रल जेल शैलवास जेल में ये बंद था और दार्जिलिंग का ये आरोपी बताया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम को धमकी के मामले में ये बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। जेल के अंदर 10 मोबाइल फोन मिले हैं और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, ये बड़ी अपडेट है, 10 अलग अलग कैदियों के पास मोबाइल फोन मिले हैं। मोबाइल फोन इनके पास पहुंचे कैसे, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल, बहुत बड़ी अपडेट है। 10 तमारा द्वारा डायल करवामां आवी, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जेल के अंदर अभी तक 10 मोबाइल जो है वो मिल चुके हैं। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। दौसा एसपी रंजीता शर्मा का ये बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम को धमकी देने के मामले में इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, जहां पर जेल के अंदर अभी तक 10 मोबाइल फोन जो है वो मिल चुके हैं। पुलिस की तरफ से सर्च अभियान चलाया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से जेल के भीतर ही ये अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको देना है और अलग अलग कैदियों के पास ये मोबाइल फोन मिले हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रेप के मामले में जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पिछले करीब 3 माह से दौसा के सेंट्रल जेल जो है सैलवास जेल में ये दार्जिलिंग का आरोपी जो है वो बंद था। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जैसे ये खबर निकल करके सामने आई उसके बाद से पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, 10 मोबाइल फोन मिले हैं, ये मोबाइल फोन कैसे पहुंचे इन कैदियों तक, क्या कुछ अपडेट अभी इस पूरे मामले में? बिल्कुल, बड़ा सवाल खड़ा हो गया है जेल की सुरक्षा को लेकर। जेल के अंदर 10 मोबाइल जाना निश्चित रूप से जेल प्रशासन की पोल खोलती है। निश्चित रूप से जेल प्रशासन के जो कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत से ही जेल के अंदर इस तरह मोबाइल फोन जाना संभव हो पाया होगा। अब फिलहाल जयपुर पुलिस, दौसा पुलिस और जेल प्रशासन तीनों को ओर से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। 10 मोबाइल जेल के अंदर अब तक मिल चुके हैं। लगातार पुलिस सर्च अभियान चला रही है और जो मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाला जो कैदी है उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके पास एक मोबाइल मिला है, साथ ही जो अन्य जो 10 मोबाइल हैं वो अलग अलग कैदियों के पास मिले हैं। ऐसे में एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है जो अंदर मोबाइल भिजवाता है, ये एक बड़ा खुलासा। निश्चित रूप से जेल प्रशासन और जेल के अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि बीती रात जिस तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धमकी देने के लिए जयपुर कंट्रोल रूम पर फोन हुआ था, उसके बाद में उसकी लोकेशन दौसा के शैलावास में आई और शैलावास के सेंट्रल जेल में जो लोकेशन मिली उसके बाद में दौसा पुलिस अंदर जेल के अंदर पहुंची और जब उस कैदी से पूछताछ के पास मोबाइल मिला है। कैदी दार्जिलिंग का रहने वाला है और रेप के मामले में गिरफ्तार हुआ था। जयपुर पुलिस ने ही गिरफ्तार किया था रेप के मामले में। पिछले 3 माह से दौसा के सेंट्रल जेल शैलावास में बंद था और रात में उसने जयपुर कंट्रोल रूम में फोन करके मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। आशीष, और भी जो कैदी, क्या उनसे पूछताछ की गई? उन्होंने कुछ बताया कि उनके पास ये मोबाइल फोन कैसे पहुंचे? जाहिर सी बात है, कोई मुलाकात करने पहुंचा होगा तो ही ये फोन दिया गया होगा। बिल्कुल, जो जिन जिन कैदियों के पास मोबाइल मिले हैं उन सभी से पूछताछ की जा रही है कि उनको मोबाइल अंदर जेल के अंदर कैसे पहुंचा, ये पूछताछ की जा रही है कि इसमें कौन कौन से रैकेट काम कर रहा है, कौन कौन से कर्मचारी अधिकारियों की मिली भगत है, इसकी भी पूछताछ की जा रही है। और जो भी अभी पूरे जेल का सर्च अभियान चला है, क्योंकि जेल काफी कैंपस है जो काफी बड़ा है, ऐसे में पूरे जेल में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर पुलिस की टीम दौसा में मौजूद है, साथ ही दौसा की जो पुलिस की टीम है वो भी मौजूद है। दौसा एसपी रंजीता शर्मा से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि 10 मोबाइल अब तक मिले हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और बिल्कुल आशीष, पुलिस हर एक एंगल से जांच पड़ताल में जुटी। राजस्थान समेत 10 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। अब राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ
किशन राव जो बागड़े होंगे वो कलराज मिश्र की जगह लेंगे। बागड़े महाराष्ट्र सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक बनाया गया है। देखिए हरिभाव किशन राव बागड़े को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया है। वो कलराज मिश्र की जगह लेंगे। मिश्र का बतौर राज्यपाल 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब आपको बताते हैं कौन है हरिभाव किशन राव बागड़े। बीजेपी नेता रहे हरिभाव किशन राव बागड़े औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। 17 अगस्त 1945 को हरिभाव का जन्म औरंगाबाद के फुलंबर कस्बे के एक मराठा परिवार में हुआ। 13 साल की उम्र में ही वो आरएसएस से जुड़े गए थे। 1965 से 1969 तक आरएसएस के विवेक में काम किया। 1967 से 1972 तक जनसंघ के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम किया। 1985 में पहली बार औरंगाबाद पूर्व सीट से विधायक बने। 2014 में फुलंबरी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीता। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने। साल 2019 में फुलंबरी विधानसभा से चुनाव जीतकर वो महाराष्ट्र सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी बने। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में दूध सोसाइटी की स्थापना की। इसके साथ ही चीनी मिल में क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया। नई नियुक्तियों में राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता रहे गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। कटारिया अब तक असम के राज्यपाल थे। उन्हें पंजाब के साथ ही चंडीगढ़ प्रशासक की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान के ही बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। वह सीपी राधाकृष्णन की जगह लेंगे। अब आपको बताते हैं कि सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि सीएच विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम के राज्यपाल बनेंगे। उन्हें मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का तो रेमन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। हालांकि सबकी नजर इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल का कार्यकाल 29 जुलाई को खत्म हो रहा है। यूपी में अब तक किसी भी गवर्नर को दोबारा मौका नहीं मिला। अगर आनंदी बेन पटेल को दोबारा मौका मिला तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास होगा। माना यह भी जा रहा है कि अगले 3 महीने के लिए आनंदी बेन पटेल को सेवा विस्तार दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सवाई माधोपुर जिले का सबसे बड़ा जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। अस्पताल प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही का आलम यह है कि जिला अस्पताल में 2-2 जनरेटर होने के बावजूद बिजली कटौती के दौरान अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल को इलाज की जरूरत, बिजली कटौती खोल रही अस्पताल की पोल। बिजली कटौती से ठप हुआ अस्पताल में काम। 2-2 जनरेटर फिर भी अस्पताल में अंधेरा। खराब जनरेटर ठीक नहीं करा रहा अस्पताल प्रशासन। बिजली कटौती से मरीज और तीमारदार दोनों परेशान। सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता के चलते जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। जिला अस्पताल के हालात ये हैं कि अस्पताल में 2-2 जनरेटर होने के बावजूद भी बिजली कटौती के दौरान अस्पताल में हर तरफ अंधेरा हो जाता है और अस्पताल के वार्डों सहित अस्पताल की सभी यूनिट अंधेरे में डूब जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा रविवार को एक बार फिर से देखने को मिला, जब बिजली कटौती के चलते जिला अस्पताल की बिजली ही गुल हो गई। बिजली गुल होने के साथ ही पूरे जिला अस्पताल में अंधेरा छा गया। वार्डो सहित ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू, जांच वेब, सिटी स्कैन सेंटर, एक्सरे रूम, दवा वितरण एवं पर्ची काउंटर सहित
अस्पताल की सभी यूनिट में काम ठप हो गया, जिससे मरीज और उनके तीमारदार वहां मौजूद कर्मचारी भी परेशान दिखाई दिए। अच्छा, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? 8 बजे से लाइट जा रही है तो 10:30 बजे तक की कटौती है, 10:30 बजे तक आई। तो सामान्य चिकित्सालय में क्या लाइट का जनरेटर भी है, सभी चीजें? फिर जनरेटर है पर वो क्या खराब हो गया, खराब होने के कारण नहीं आ रही। इस मामले में जिला अस्पताल के कार्यवाहक PMO डॉक्टर अकरम का कहना है कि जल्द ही अस्पताल में एक मोबाइल जनरेटर की व्यवस्था की जाएगी और अस्पताल में बिजली की अलग से लाइन के प्रयास किए जा रहे हैं। मान्य चिकित्सालय एक ऐसा जगह है जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे गंभीर रोगी जो है विभिन्न मशीनों पर रहते हैं, उन मशीनों के लिए निरंतर बिजली की सप्लाई की आवश्यकता है। यदि जो हॉस्पिटल के लिए एक अलग से ऐसी सेपरेट लाइन जो है बिजली विभाग से दी जाए जिसमें कि बिजली जो है कटे नहीं उसकी आपूर्ति, वो एक उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि एक मोबाइल जनरेटर, उसका हम अभी इस समस्या को देखते हुए सोच रहे हैं। उच्च अधिकारियों से हम RMR इसकी मीटिंग में इस बात को लेकर वार्ता करेंगे कि एक मोबाइल जनरेटर हमारे चिकित्सालय को उपलब्ध कराया जाए। भले ही अस्पताल प्रशासन दावा कर रहा हो कि जल्द ही मोबाइल जनरेटर की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अस्पताल में 2-2 जनरेटर होने के बावजूद भी उन्हें ठीक कराने की जहमत कोई नहीं उठा रहा। ऐसे में बिजली सप्लाई नहीं होने से कई मशीनरी भी बंद हो जाती है, जिससे गंभीर मरीजों की जान पर खतरा पड़ सकता है। सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने नए लो प्रेशर सिस्टम के बाद से राजस्थान में मॉनसून सक्रिय हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 4-5 दिन राजस्थान में मॉनसून के सक्रिय रहने और उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की जो संभावना है वो जताई है। कई जिले जलमग्न है तो कई जिलों में बाढ़ से भी पत्ते हरा जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें हैं सवाई माधोपुर, कोटा और भलवाड़ा की। प्रदेश में आसमान से आफत की बारिश हो रही। आज भी प्रदेश के जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। कोटा और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद गांव से लेकर शहर तक पानी पानी ही नजर आ रहा। कोटा का अनंतपुरा इलाका और यहां का तालाब गांव अपने नाम के अनुरूप ही पूरी तरीके से तालाब बन चुका है। बस्ती के अंदर 1 से 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। गोताखोरों और निगम की टीमों ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित निकाल लिया। 36 से ज्यादा महिलाओं, बच्चों सहित अन्य लोगों का रेस्क्यू किया गया। बारिश के बाद अनंतपुरा इलाके में कई बस्तियां जलमग्न हो चुकी हैं। क्षेत्र में कई घर, दुकान, स्कूल डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कोटा और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद लगातार कई इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोटा का अनंतपुरा इलाका और यहाँ का तालाब गाँव, फिलहाल स्थिति यहाँ की किसी तालाब से कम नहीं है। देख सकते हैं आप कि तालाब गांव इलाके की बस्ती और इस बस्ती में पानी देख सकते हैं आप कि 1-1 फीट तक, 2-2 फीट तक जो पानी है वो भरा हुआ है। हालात ये भी देख लीजिए कि यहां पर आने वाले जो व्हीकल्स हैं उन्हें किस तरह से यहां से निकलना पड़ रहा है और उनकी जो बाइक हो या फिर गाड़ियों के टायर वो डूबते हुए नजर आएंगे। सबसे बुरे हालात कोटा ग्रामीण इलाके में इटावा क्षेत्र के हैं। दरअसल कोटा बैराज से चंबल नदी में पानी की निकासी शुरू हो गई। इस मानसूनी सीजन में पहली बार कोटा बैराज के 6 गेट खोलकर तकरीबन 37,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। 5-5 फीट तक बैराज की गेट खोलकर तकरीबन 37,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। भारी बारिश से जिले से गुजर रही पार्वती, चंबल और कालीसिंध नदी उफान पर आ गई। इसके चलते कोटा का सवाई माधोपुर रोड मध्य प्रदेश से संपर्क कट चुका है। नदियों में भी तेजी से जल स्तर बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से प्रशासन अलर्ट पर है। कोटा में बारिश के दौरान 2 अलग अलग पिकनिक स्पॉट पर 6 से ज्यादा लोग फंस गए।
कर्णेश्वर महादेव मंदिर के पास एक पिकनिक स्पॉट पर बने एक टापू में एक युवक फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। वहीं गेपरनाथ पिकनिक स्पॉट पर 5 लोग फंस गए, जिन्हें SDRF और निगम की टीम रेस्क्यू कर बाहर निकालने में सफल रही। इंसान तो क्या, अभी साफत की बारिश में भगवान भी आ गए। जहां कोटा में तालाब का पानी मंदिर में घुस गया, जिससे गणेश मंदिर परिसर जलमग्न हो चुका। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खड़े गणेश जी महाराज की मूर्ति तक पानी पहुंचने लगा। इतना ही नहीं, जल भराव की वजह से दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। वही बारा जिले के हालात भी कोटा जैसे ही है। यहाँ बारिश के चलते पार्वती नदी में उफान आ गया। उफान के चलते हनोतिया गांव टापू में तब्दील हो चुका है और इसी बीच गांव में प्रसूता की तबीयत भी बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों द्वारा SDRF को सूचना दी गई। सूचना पर SDRF दल ने नाव से रेस्क्यू कर प्रसूता और उसके पति और बच्चों को नदी पार पहुंचाया, जहां से एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारिश में पार्वती नदी में उफान आ जाने के चलते शहर का समीपवर्ती गाँव हनोतिया हर साल टापू में बदल जाता है। हालात गंगापुर सिटी में भी अच्छे नहीं है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में सड़कें दरिया बन चुकी हैं। गंगापुर सिटी में शनिवार को 55 mm बारिश दर्ज की गई। गंगापुर सिटी क्षेत्र में अब तक 370 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। यहां कुछ घंटों हुई बारिश ने नगर परिषद के पानी निकासी व्यवस्था की पोल खोल कर रखी। बारिश के बाद शहर की ज्यादातर सड़कें तालाब बन गई, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग घुटनों तक जमा पानी में आवाजाही करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नालों की सही तरीके से सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्हें इस साल भी इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। एक 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, अंदर पानी भर गया 1.5 फीट। अब बरसात थोड़ी सी आती है, मामूली बरसात आती है और पानी भर जाता है। देखो सामने दुकान में पानी भरा हुआ है, दुकान बंद करके बैठ जाते हैं, अंदर पानी भर जाता है। आसमान से बरस रही साफत भरी बारिश के चलते राज्य के कई जिलों में जनजीवन बेपटरी हो चुका है। हर तरफ पानी ही पानी होने से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। परेशान लोग अब ऊपर वाले से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब तो रहम करो। ब्यूरो रिपोर्ट, News18, राजस्थान। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे 30 मिनट में 50 जिले। नमस्कार।